हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। डेबिट और क्रेडिट कार्ड तो हम सभी यूज करते हैं, तो चलिए फिर कुछ नए नियम्स पढ़ लेते हैं, नए नियम्स जान लेते हैं कि कौन से वो नियम हैं जो 1 जनवरी 2020 से बदल जाएंगे, नए नियम हो जाएंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुपर आइडियाज पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारी अपडेट्स, चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम्स की हो, नए बिजनेस की हो, लोन की हो, या कोई भी न्यूज हो, तो वो हम आप तक शेयर करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में भी हम बात कर लेते हैं। तो देश में वन नेशन वन कार्ड स्कीम के तहत भारतीय कंपनी रुपे कॉन्टेक्ट लेस डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी किए थे, ये सभी को याद होगा। और इन कार्ड्स की मदद से आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर शॉपिंग मॉल तक आसानी से भुगतान कर सकते हैं। तो आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने शुक्रवार को कॉन्टेक्ट लेस कार्ड पेमेंट के नियम में बड़ा बदलाव किया है, और वो नियम क्या है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो अभी तक आप जो कॉन्टेक्ट लेस डेबिट और क्रेडिट कार्ड से अधिकतम 5,000 रुपए तक का भुगतान आप बिना किसी पिन से आसानी कर सकते हैं, ये 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगा। अभी तक जो आप अपने कॉन्टेक्ट लेस जो आपका डेबिट और क्रेडिट कार्ड है जो भी आपका, उससे अभी तक आप सिर्फ 2,000 रुपए तक का ही भुगतान कर पाते थे बिना पिन के। अब ये चेंज कर दिया गया है, अब आप 5,000 रुपए तक का भुगतान कर सकते हैं, वो भी किसी बिना पिन की मदद से। तो ये 1 जनवरी 2021 से लागू होगा। तो इस वीडियो के अंत में हम आपके कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस हैं जो आपके मन में उठ सकते हैं, और उन सवालों का जवाब भी इस वीडियो में ही आपको मिलेगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये कॉन्टेक्ट लेस हम बार बार बोल रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, तो ये कॉन्टेक्ट लेस आखिर होता क्या है। रुपे द्वारा आप पासवर्ड इस कार्ड को नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के तौर पर यूज किया जाता है। ये एक कार्ड भी एक स्मार्ट कार्ड की तरह ही होता है, जैसे कि आपका दिल्ली मेट्रो में कार्ड चलता है, जैसे आप रिचार्ज करवाते हैं, मेट्रो में सफर करते हैं, तो सभी बैंक अब रुपे देते हैं, रुपे कार्ड। रुपे कार्ड में जैसे कि आपका डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी होंगे, जैसे कि आप डेबिट कार्ड अभी यूज करते होंगे तो कहीं में आप देखेंगे मास्टर है, कोई वीजा है, तो इसी तरीके से अब आपको ये रुपे मिलेगा। इसमें नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड फीचर होगा, ये किसी भी वैलेट की तरह ही आपका काम करेगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, जो भी आपका कार्ड है उसके पीछे आपने कई बार साइन देखा होगा इस तरीके का, ये जैसे कि वाईफाई का सिग्नेचर होता है हमारा, वेज हम दिखाते हैं, इस तरीके का साइन आपने कई बार अपने कार्ड के पीछे देखा होगा। तो इस साइन का मतलब यही है कि ये कार्ड कॉन्टेक्ट लेस है, यानी कि आप मशीन के ऊपर जब इसको टैप करेंगे तो टैप करने के बाद ही आप 2,000 रुपए तक की पेमेंट कर सकते हैं, ये इस कार्ड का मतलब है, जो कि आप एडवर्टाइजमेंट में भी देखते ही होंगे। तो अब बात करते हैं कि कॉन्टेक्ट लेस ट्रांजेक्शन क्या है। तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से, जो मैंने आपको बताया कि जो कॉन्टेक्ट लेस कार्ड है, इस टेक्नोलॉजी की मदद से कार्ड होल्डर को ट्रांजेक्शन के लिए स्वाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप हमेशा पहले मशीन में स्वाइप करते थे, जैसे ये मशीन है तो यहाँ पे स्वाइप करते थे, लेकिन अब स्वाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आप जो है टैप से ही अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो पोस होती है पॉइंट ऑफ सेल मशीन, जो मैंने आपको पिछली पिक्चर में दिखाई, से कार्ड को बस आपको सटाना है और पेमेंट हो जाएगी। तो कॉन्टेक्ट लेस क्रेडिट कार्ड में दो तकनीकों का इस्तेमाल होता है, एक होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन और सेकंड होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, यानी कि RFID। जब इस तरीके के कार्ड को इस तकनीक से लैस कार्ड मशीन के पास लाया जाता है तो पेमेंट अपने आप ही हो जाती है। तो क्यों हो जाती है, ये भी मैंने आपको बताया कि तकनीक है नियर फील्ड कम्युनिकेशन और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। चलिए पिक्चर के थ्रू आपको इजी समझाते हैं कि किस तरीके से आप कॉन्टेक्ट लेस कार्ड से कर सकते हैं। तो इसको 3 स्टेप्स में हम समझने की कोशिश करते हैं, लुक, टैप और गो। तो लुक स्टेप में क्या होता है कि आप अपने कार्ड पर देखेंगे, ये कॉन्टेक्ट लेस इंडिकेटर है आपका, ये आपके कार्ड पर है, कॉन्टेक्ट लेस सिंबल है, तो आप स्टोर की चेकआउट पर टर्मिनल कर सकते हैं। ये देखिए मशीन में भी इसी तरीके का आपको दिखेगा कॉन्टेक्ट लेस, ये मशीन पे आप जो है आप ऐसे रख देंगे, तो ये हो गया लुक। फिर है जब प्रॉम्प्ट हो जाएगा, तो आप अपना जब मशीन पे ऐसे आएगा ये निशान, तो आपको अपना कार्ड फ्यू इंचेस पे रखना है कॉन्टेक्ट लेस सिंबल से, इस तरीके से आपको रखना है, और फिर आपका एक बीप बजेगी और ग्रीन लाइट आ जाएगी, और इस तरीके से ग्रीन टिक आ जाएगा, इट मींस कि आपकी पेमेंट हो गई है। तो इस तरीके से होती है कॉन्टेक्ट लेस टैप पेमेंट भी आप जिसको बोलते हो।
तो मशीन की 2 से 5 सेंटीमीटर की रेंज में अगर आप कार्ड को रखते हैं तो पेमेंट हो जाता है। इससे कार्ड को किसी मशीन में डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती, स्वाइप करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कोई कार्ड अगर आपने देखा हो कभी आपके पास पुराना सा कोई कार्ड पड़ा जिसको आप स्वाइप बहुत ज्यादा स्वाइप करते हैं तो उस पर निशान भी बन जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब ना ही आपको कोई पिन डालना, ना कोई ओटीपी डालना। कॉन्टेक्टलेस पेमेंट की अधिकतम सीमा अभी तक 2,000 रुपए है। एक दिन में आप 5 कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन अब 1 जनवरी से इस पेमेंट की जो अधिकतम सीमा है वो आपकी 5,000 रुपए हो जाएगी, जिसमें ना तो आपको पिन डालना है ना ओटीपी डालना है। अब आप ये बात करें कि ये कार्ड मिलेगा कैसे, तो कार्ड को पाने के लिए आपको अपने बैंक से संपर्क करना होगा। ये 25 बैंकों में उपलब्ध होने के साथ ये कार्ड पेटीएम पेमेंट बैंक द्वारा भी जारी किया जाता है। तो इस कार्ड को एटीएम पर इस्तेमाल करने पर 5% का कैशबैक मिलता है और विदेश यात्रा के दौरान आपको मर्चेंट आउटलेट पर भुगतान करने पर 10% का कैशबैक भी मिलता है। तो कैशबैक आपको मिलेगा तो आप कार्ड को ज्यादा यूज करोगे। तो रुपए का यह कार्ड डिस्कवर और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल मर्चेंट के अलावा विदेश के एटीएम पर भी स्वीकार किया जाता है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है ये कार्ड। और इस कार्ड को SBI PNB समेत देश भर के 25 बैंक उपलब्ध कराते हैं, तो आप अपने बैंक से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कैसे काम करता है मैंने आपको दिखाई दिया है कि आपको 4 सेंटीमीटर दूर रखना है और आपका पेमेंट हो जाएगा। तो ये आप देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे काफी दिखाए हैं, ये आपका SBI बैंक है, ICICI, DCI, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, SBI, तो सब में ये निशान है। तो इस मीन्स कि ये सब जो है कॉन्टेक्टलेस पेमेंट कर रहे हैं, तो इसी तरीके का कार्ड होता है आपका। तो लेकिन अब बात करते हैं कि अगर आपको 5,000 से ज्यादा पेमेंट करनी है तो 5,000 से ज्यादा पेमेंट करने पर तो आपको पिन और ओटीपी देना होगा, लेकिन 5,000 से कम की अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं तो आप टैप की मदद से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन होते हैं जब भी हम टैप पेमेंट की बात करते हैं, कॉन्टेक्टलेस पेमेंट की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर आपका कार्ड गुम हो गया और किसी को मिल गया तब क्या होगा, क्योंकि हम पेमेंट तो कॉन्टेक्टलेस कर रहे हैं, ना तो पिन की जरूरत है ना ओटीपी की जरूरत है। तो इस स्थिति में आपको तुरंत बैंक को सूचित करना है, कार्ड को ब्लॉक करवाना होगा, और आपकी जानकारी में आने से पहले किसी ने शॉपिंग कर ली है तो बैंक आपकी नुकसान की भरपाई भी करता है, तो वो आपको जल्द से जल्द तभी बताना होगा जैसे ही आपको पता चलता है। अब है एक, आपने बहुत बार वायरल वीडियो देखा होगा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कि मशीन के पास से गुजरने पर अगर आपके जेब में कार्ड रखा है तो पेमेंट अपने पास हो जाएगी, क्या ये सही है? कार्ड और मशीन के बीच में 4 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, तभी पेमेंट होता है। तो जेब में रखे कार्ड से अपने आप पेमेंट नहीं होगा, ये बात है, आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो यह वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी, हमने सारे डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की है। तो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और जब बेल आइकन को प्रेस करें तो ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको सभी वीडियो के अपडेट टाइमली मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।